Hello student, welcome to the fourth lecture of redox reaction. In this lecture we are going to study about oxidation number using bonding method. Bonding method को use करके हम लोग oxidation number कैसे निकालते हैं उसके ऊपर discussion करेंगे. इसमें हम लोग दो केस डिस्कस करेंगे. केस वन इज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. अगर हमको कोवेलेंट बॉन्ड दिया है तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं. से फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली बात तो ये, कोवेलेंट बॉन्ड स्टूडेंट्स टोटल तीन टाइप के होते हैं. एक होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ए और बी के बीच में, एक होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड और एक होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. करेक्ट. अगर मेरे पास में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, दो, ठीक है, तो इन दोनों में से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर माइनस वन का चार्ज आएगा. मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर प्लस वन का चार्ज आएगा. इन केस ऑफ ए डबल बॉन्ड बी में यहाँ पे दो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पे इस बॉन्ड की वजह से इसके ऊपर माइनस वन, इसके ऊपर प्लस वन, इस बॉन्ड की वजह से भी इसके ऊपर माइनस वन, इसके ऊपर प्लस वन. तो सिंपल वर्ड में हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना कि अगर डबल बॉन्ड है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल गेट पॉजिटिव माइनस टू का चार्ज एंड दिस विल गेट अ पॉजिटिव टू का चार्ज. यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एक ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके ऊपर माइनस थ्री का चार्ज होगा, इसके ऊपर प्लस थ्री का चार्ज होगा. सो डू रिमेंबर इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इफ इट इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल गेट नेगेटिव वन का चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विल गेट प्लस वन का चार्ज. डबल बॉन्ड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल गेट माइनस टू का चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विल गेट प्लस टू का चार्ज. इन केस ऑफ अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल गेट माइनस थ्री का चार्ज एंड less electronegative will get plus 3 ka charge. Now let us take some examples. A very important example is carbon suboxide C2O3. agar main isme du ka concept apply karta hu to isse mujhe du ka value nikalne mein easy ho jayega, but abhi main aapko iska structure batata hu. The structure of this compound is O double bond C double bond C double bond C double bond O. अगर आप इसको x मेथड से सॉल्व करते हो तो स्टूडेंट्स ओरली करिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आना चाहिए, दिस इज गोइंग टू ओरली करना है, इट इज गोइंग टू बी 3x एंड दिस इज 2 इनटू माइनस 2, तो 2 टू 4, सो द वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी 4/3. अभी वापस से अगर आप ध्यान से देखो तो ये एवरेज आ रहा है, ठीक है, तो एवरेज आ रहा है क्यों, क्योंकि ये तीन कार्बन का है बच्चों, ठीक है. तो अभी मैं इसको स्ट्रक्चर से भी निकालना सिखाता हूं आपको, ध्यान देना. यहां पे अगर ध्यान से देखते हो तो ये जो है बॉन्ड वो कोवेलेंट बॉन्ड ही है, और ये किसके किसके बीच में, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में. हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यस ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन विल गेट माइनस टू का चार्ज, करेक्ट. दिस कार्बन विल गेट प्लस टू का चार्ज बिकॉज ऑफ दीज टू बॉन्ड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टू बॉन्ड. अगर आप इस बॉन्ड की बात करो, ये भी तो डबल बॉन्ड है, अभी यहाँ पे दोनों आइटम सेम है कि डिफरेंट है, दोनों आइटम सेम है, तो दोनों आइटम सेम है तो यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स. फर्स्ट चेक दोनों आइटम क्या है सेम, देन चेक देयर हाइब्रिडाइजेशन. अगर आप इस कार्बन की बात करते हो तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp, डबल बॉन्ड दो है ना, तो sp हाइब्रिडाइजेशन. दिस कार्बन आइटम इज ऑल्सो sp एंड दिस इज ऑल्सो sp, ठीक है. तो अभी आप ध्यान दो, अगर दोनों आइटम सेम है, ऑलवेज रिमेंबर इफ बोथ द आइटम्स आर सेम देन गो फॉर देयर हाइब्रिडाइजेशन, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो सेम देन देयर ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0, 0. तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इस कार्बन की वजह से 0, इसका भी इसकी वजह से 0, उसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो उससे कोई लेना देना नहीं है. सो बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस कार्बन ये कार्बन का 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 तो है ही है, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, बट इस कार्बन की वजह से इसका क्या हो जाएगा, 0. ये कार्बन को इसके साथ कंपेयर करो, दोनों आइटम्स क्या है सेम, देन गो फॉर हाइब्रिडाइजेशन. अभी ये 0 है, ये इसकी वजह से ये भी 0 और ये इसकी वजह से 0. अभी इस बॉन्ड की बात करते हैं, इस बॉन्ड ये बॉन्ड किसके किसके बीच में, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में. सो दिस ऑक्सीजन विल गेट माइनस टू का चार्ज एंड दिस कार्बन विल गेट प्लस टू का चार्ज. क्यों ऐसा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. नाउ स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो तो कार्बन नंबर जो 1 है उसके ऊपर कितने का चार्ज है, प्लस 2 का चार्ज है. कार्बन नंबर 2 जो है उसके ऊपर आप देखोगे तो 0 चार्ज है, मतलब इट इज न्यूट्रल. एंड कार्बन नंबर 3 के ऊपर भी बेटा प्लस 2 का चार्ज है. सो अगर मैं टोटल करूं तो प्लस 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2 इज प्लस 4 एंड दैट इज शेयर्ड बाय हाउ मेनी कार्बन एटम्स, 3. सो देखो आंसर 4/3 आ रहा है. तो
तो एग्जाम में आप क्या टिक करोगे, ये आपका एक माइंड में क्वेश्चन होगा, आप एग्जाम में यही टिक करोगे। हाँ, अगर आपको एग्जाम में जो नया पैटर्न आजकल चल रहा है, अगर आपको एग्जाम में ये स्ट्रक्चर दिया है और आपको बोला है कि कार्बन फर्स्ट वाले का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, सेकंड का बताओ, थर्ड का बताओ, देन आंसर इज गोइंग टू बी प्लस टू फर्स्ट कार्बन का, सेकंड का जीरो एंड थर्ड कार्बन का इज अगेन प्लस टू, सो इट इज प्लस टू जीरो प्लस टू, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड कार्बन सब ऑक्साइड, ठीक है, ओके। नीट 2019 में भी एक क्वेश्चन आया था जो हम लोग अभी ड्रॉ कर रहे हैं, ब्रोमीन डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड, ब्रोमीन डबल बॉन्ड ओ सेकेंड, ब्रोमीन डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। अगर इसको आप लिखना चाहो तो आप कैसे लिखोगे, बी आर थ्री, ब्रोमीन कितने हैं तीन है और ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों एट है, कैसे वन टू थ्री, थ्री ऑन दिस साइड सिक्स एंड दो सेंटर में आठ हो गए। अगर हम इसको x मेथड से सॉल्व करें तो x 3x हो जाएगा, ठीक, 8 इंटू माइनस टू इक्वल्स टू कितना जीरो, सो इट कम्स आउट टू बी 16 डिवाइड बाय 3। तो एग्जाम में आप 16 बाय 3 करोगे अगर ब्रोमीन का पूछा तो, बट अगर हम लोग बात करें, अगर समझो एग्जाम में ऐसा स्ट्रक्चर दिया जो नीट 2019 में दिया था, तो इसमें ब्रोमीन नंबर 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं इस बॉन्ड की बात करूँ तो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड डेफिनेटली बेटा इसमें दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फोन कॉल्स के हिसाब से, सो दिस विल गेट माइनस टू का चार्ज एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन दिस ब्रोमीन विल गेट प्लस टू का चार्ज, करेक्ट, तो यहाँ पे प्लस टू का चार्ज आ गया, ठीक है। ऐसे सेम वे इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू का चार्ज होगा, तो इस ब्रोमीन के ऊपर इसकी वजह से प्लस टू का चार्ज, ये माइनस टू है तो इस वजह से ये प्लस टू हो जाएगा। सो कहने से मैंने ये साइड के तीनों बॉन्ड्स को सॉल्व कर लिया, सेम रेप्लिका आप यहाँ पे दे सकते हो, माइनस टू एंड माइनस टू, सो यहाँ पे प्लस टू एंड यहाँ पे भी प्लस टू। अभी आप अगर ये सेंटर वाला ब्रोमीन देखते हो, सो ये माइनस टू हो जाएगा, ये प्लस टू हो जाएगा, ये माइनस टू हो जाएगा, ये प्लस टू होगा। अभी सब लोग सोचते रहेंगे ये बॉन्ड का क्या, तो मैंने आपको जस्ट बताया था इस एग्जाम्पल में कि ये बॉन्ड किसके बीच में है, सेम एटम्स के बीच में कि डिफरेंट एटम्स के बीच में है, सेम, तो डायरेक्टली जीरो जीरो नहीं लिखना है, फर्स्ट यू हैव टू चेक देयर हाइब्रिडाइजेशन। नाउ व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस ब्रोमीन, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन से बनता नहीं है, सो दिस इज सिग्मा 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 एंड दिस इज ऑल्सो सिग्मा, तो कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए इसने, चार, सो दिस इज गोइंग टू बी sp3, करेक्ट। अगर इसकी बात करें तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, इसमें भी बेटा टोटल चार सिग्मा बॉन्ड बनाए, दिस इज ऑल्सो sp3 और ये वाला ब्रोमीन भी sp3 है। तो आप बताओ ये ब्रोमीन और ब्रोमीन दोनों एटम सेम है, ओके, तो मैंने मेथोडोलॉजी क्या बताया था, फर्स्ट यू चेक द एटम जो है दे आर सेम और नॉट, सेकेंड स्टेप में आपको क्या चेक करना है, उनका हाइब्रिडाइजेशन सेम है कि नहीं है, क्या दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, यस, तो इसकी वजह से ये जीरो और इसकी वजह से ये जीरो, सेम रेप्लिका आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, जीरो और जीरो। अभी आप अगर फोकस करो इस ब्रोमीन के ऊपर, इस ब्रोमीन के ऊपर, फर्स्ट वाले ब्रोमीन के ऊपर, फर्स्ट वाले ब्रोमीन के ऊपर टोटल प्लस चार्ज कितना है, देखो जीरो उसको छोड़ दो, प्लस टू प्लस टू प्लस टू, तो टोटल कितना हो गया, प्लस सिक्स हो गया। सेकेंड ब्रोमीन के ऊपर जो सेंटर में है उसके ऊपर कितना प्लस है, देखो जरा, प्लस टू जीरो जीरो, सो इट इज प्लस फोर। एंड थर्ड ब्रोमीन के ऊपर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो थर्ड ब्रोमीन के ऊपर भी प्लस सिक्स का ही चार्ज है, करेक्ट। तो अगर आप एड अप करते हो, सिक्स प्लस फोर टेन, टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन, एंड इट इज डिवाइडेड बिटवीन हाउ मेनी ब्रोमीन एटम्स, थ्री, सो इट इज 16/3। सो दिस इज दी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 में भी पढ़ा था, बट उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट बोल सकते हैं, बट यहाँ पे हमने कौन सा मेथड यूज किया, बॉन्डिंग मेथड। तो अगर आपको स्ट्रक्चर कभी अगर ऐसा दे दे और उसमें पूछे कि बताओ इसमें इस ब्रोमीन का कितना या जो भी एलिमेंट का पूछा है उसका कैसे निकालना है, तो मैंने आपको ये बताया, अगर दो एटम सेम है तो डायरेक्टली जीरो नहीं लिखना है, फर्स्ट यू टू चेक देयर हाइब्रिडाइजेशन, हाँ हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है तो जीरो जीरो लिख सकते हैं। तो अभी आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर आपने दोनों एग्जाम्पल जो दिया जिसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या था, सेम, सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है, ठीक है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल, करेक्ट, ये वाला एग्जाम्पल ना, इसमें आप लोग हर बॉन्ड का वैल्यू निकालेंगे। बेसिकली ये फॉर्मूला है क्या, इट इज H2
H2S कितने बच्चों दो है और ऑक्सीजन गिनो 1, 2 and 3 इट इज H2S2O3। अगर हम लोग X मेथड से निकाले तो इट इज 2 × +1 किसका हाइड्रोजन का, सल्फर को हम लोग X मान ले क्योंकि मैंने कोई रूल सिखाया नहीं है और है भी नहीं तो कैसे सिखाऊंगा, 3 × −2 = 0। सो दिस इज 3 × 6, 6 में से 2 गया 4, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, X इज इक्वल्स टू 2 आया, राइट। सो ये जो है वो एवरेज है बिकॉज ये दो सल्फर का, राइट, तो ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। अभी अगर हम लोग इसको स्ट्रक्चर से फाइंड आउट करें तो इसमें इसका भी 2 नहीं आएगा, इसका भी 2 नहीं आएगा, दोनों का एडअप करके 2 आएगा, नो डाउट, बट इसमें इंडिविजुअली किसी का भी 2 नहीं होगा। देखो प्रूव करते हैं हम, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है कि डबल है, सिंगल, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का रूल क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -1, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव +1, हो गया, समझ में आ रहा है, सो रहे हो लेक्चर में, ठीक है। नाउ ये क्या है, +1 है और ये क्या है -1 है, ठीक है, दोनों सेम था। अभी ये साइड देखो हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, करेक्ट ना, फोन कॉल्स के हिसाब से, सो दिस इज -2, दिस इज +2, राइट, दिस इज -2 एंड दिस इज +2। अगर मैं इस बॉन्ड की बात करूं तो सो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -1, दिस इज गोइंग टू बी +1, करेक्ट। ये वाले बॉन्ड की बात करें, दिस इज -1 एंड दिस इज +1, समझ में आ रहा है इतना पक्का। अभी ऊपर देखो, ऊपर मतलब इधर देखो, इधर इसमें इस सल्फर की बात करें तो ये बॉन्ड सल्फर और सल्फर के बीच में, तो दोनों एटम सेम है जैसे ब्रोमीन ब्रोमीन था, तो क्या डायरेक्टली 0-0 दे दे, बोलो 0-0 लिख दूँ डायरेक्ट, नहीं, तो क्या करूँ, पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करना पड़ेगा। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, सिर्फ एक ही बनाए और 2 लोन पेयर है, देख लो, तो टोटल इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। अगर मैं इस सल्फर की बात करूँ तो यहाँ पे सिग्मा, ये भी सिग्मा, एक ही सिग्मा दूसरा पाए, सो उसको काउंट नहीं करना, ये भी सिग्मा ये पाए, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए, 4, तो इट इज sp3, करेक्ट। तो क्या दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, नहीं, प्रीवियस जो दो एग्जांपल लिए थे उसमें हाइब्रिडाइजेशन सेम था, बट ये एग्जांपल में हाइब्रिडाइजेशन अलग है। तो सबको हमने जीओसी से पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट्स, एसपी इज ग्रेटर देन एसपी2 इज ग्रेटर देन एसपी3, बराबर है ना, इसके अंदर बल्किनेस सबसे ज्यादा, इसके अंदर लॉन्जिटिविटी सबसे ज्यादा, तो दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, sp2 वाला सल्फर। सो इफ इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल है कि सिंगल है, डबल, सो दिस विल गेट -2 का चार्ज एंड दिस सल्फर बिकॉज ऑफ दिस सल्फर विल गेट +2 का चार्ज, राइट, तो यहाँ पे मैंने +2 लिख दिया। सो अगर आप ध्यान से देखो इस सल्फर के ऊपर, फर्स्ट वाले सल्फर के ऊपर कितने का चार्ज है, +2 का चार्ज है, राइट, सॉरी -2 का चार्ज है, एंड नीचे वाला जो सेंटर में सल्फर है उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना गिनो, +2, +2, +4, +4, +1, +5 and 1, +6, ठीक है, तो टोटल करो कितना आ रहा है, +4 आ रहा है, कितने लोगों का है ये, 2, तो डिवाइड बाय 2, +4 / 2, देखो 2 आ रहा है। सो दिस इज बेसिकली एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला था ना कि किसी भी सल्फर का इसमें प्लस टू नहीं है, ना तो ये प्लस टू है ना ये प्लस टू है, पहले वाला -2 है और सेकेंड वाला +6 है, टोटल करोगे तो +4 आ रहा है, डिवाइड बाय 2 करोगे तो हर एक का +2 एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। तो बाय बॉन्डिंग मेथड आल्सो यू कैन फाइंड आउट द स्ट्रक्चर। विल टेक वन मोर एग्जांपल, अभी आप लोग ये वाला सॉल्व करिए, फोर्थ एग्जांपल आप लोग सॉल्व करिए, एच ओ एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, एस एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ, ये थायोनिक एसिड सीरीज के कंपाउंड्स है, H2, S कितने हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, S 4, O कितने हैं, 3 and 3, 6, O6, ठीक है। अगर मैं इसको X मेथड से सॉल्व करता हूँ, ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 × 1 + 4 × सल्फर का X, 6 × −2 = 0, सो 6 × 2 = 12, 12 में से 2 गया कितना, 12 − 2 = 10, तो ये x का वैल्यू हो जाएगा 10/4, दैट इज 2.5, ठीक है, तो इसको हम लोग 10/4 भी लिख सकते हैं और 2.5, ठीक है ना, प्लस, अभी इसमें से किसी का भी 2.5 नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर। आप लोग वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए, ठीक है, पॉज करो, किया सॉल्व, ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो आप इस बॉन्ड को फोकस करो,
अगर इस बॉन्ड की बात करें तो ये माइनस प्लस वन और ये माइनस वन, राइट। सेम यहाँ पे भी माइनस वन प्लस वन, यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा, इसकी वजह से इसका प्लस वन माइनस वन प्लस वन। ये सल्फर के साथ है, ये माइनस टू तो ये प्लस टू, सेम माइनस टू प्लस टू, राइट। अभी ये वाला भी माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू, राइट। अभी ये साइड में देखिए, क्या ये दोनों एटम सेम है? यस, ये भी सल्फर है और ये भी सल्फर है। तो मेथोडोलॉजी फॉलो करो, डायरेक्टली जीरो जीरो लिखना नहीं है। सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, सिग्मा 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 सिग्मा, सो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स? फोर, तो इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो सेम वे दिस सल्फर इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, करेक्ट। सो अगर हम लोग इस सल्फर को देखें तो इसके कितने सिग्मा बॉन्ड है? दो, और दो लोन पेयर भी है। सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 16, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो आप बताओ, ये सल्फर की बात करें तो ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3। कैसे? दो सिग्मा बॉन्ड दो लोन पेयर, तो टोटल कम्स आउट टू बी स्टेरिक नंबर 4। ये वाला भी सेम sp3, तो क्या सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है? यस। तो इस सल्फर की वजह से ये सल्फर 0, ये भी 0, ये दोनों भी एक दूसरे की वजह से 0 0, और ये भी एक दूसरे की वजह से 0 0, करेक्ट। तो मैं अभी ये जीरोज नहीं लिख रहा हूँ, सेंटर वाले सब कितने हैं? 0 वाले हैं, ठीक है। और ये जो साइड वाले हैं वो प्लस वाले हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो, फर्स्ट सल्फर कितना आ रहा है? प्लस टू प्लस फोर प्लस प्लस टू एंड प्लस टू प्लस फोर एंड वन प्लस फाइव, करेक्ट, ध्यान देना। सेकेंड वाला सल्फर 0, थर्ड वाला सल्फर 0, फोर्थ वाला सल्फर प्लस टू प्लस टू प्लस वन प्लस फाइव, सो टोटल कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, 10, बट ये कितने लोगों के बीच में है? 4, सो 10/4 सेम आ रहा है। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर यूजिंग विच मेथड? बॉन्डिंग मेथड, ठीक है। अभी इसी के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर यूजिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और केस टू में हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? एक डोनर एटम होता है और एक एक्सेप्टर एटम होता है, ठीक है। सो केस वन के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट बात किया, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सेकेंड वन, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन वन एटम डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड एटम एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। अगर आपको लिखना है, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके, या फिर मैं आपको नोट्स बाद में भेज दूंगा, ठीक है, चिंता मत करिए। Now listen, if I talk about next, that is using coordinate bond. Coordinate bond में students क्या होता है? एक acceptor atom होता है और एक donor atom होता है, right? जैसे ये A है, ये B है, A और B के बीच में एक coordinate bond बना, A के पास lone pair था, ठीक है, उसने B को donate कर दिया। तो basically single coordinate bond है, तो जो acceptor atom होता है ये donor है, ये डोनर है और ये कौन है? एक्सेप्टर है। तो एक्सेप्टर होता है उसके ऊपर माइनस टू का चार्ज आएगा, यहाँ पे प्लस टू का चार्ज आएगा। मेक श्योर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ध्यान से सुने, क्या मैंने बोला है? सिंगल बॉन्ड को ही हटा के मैं माइनस टू ला रहा हूँ। अभी आप लोग उसके साथ कंफ्यूज मत होना कि कोवलेंट बॉन्ड में तो सर ने एक बॉन्ड को हटा के प्लस वन और एक में माइनस वन लिया था, तो यहाँ पे भी तो सिंगल ही है ना, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन देता है ना बेटा, इस वजह से माइनस टू एंड प्लस टू लेंगे किस केस में? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। लेकिन एक बात याद रहे, यहाँ पे आप डायरेक्टली माइनस वन एंड माइनस टू एंड प्लस टू नहीं ले सकते, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड ना। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते, इसके लिए बेटा बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चार्जेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सुनो, डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। अगर ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, A is more electronegative and B is less electronegative, correct? Who is more electronegative? A is more electronegative and B is less electronegative. और अगर इनके बीच में coordinate bond है, तो आप इसके contribution को neglect करोगे ये bond को, इसमें आप किसी के ऊपर minus 2 और किसी के ऊपर प्लस टू नहीं लिख सकते। क्यों? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टूडेंट्स को नहीं बताया जाता है, इस वजह से वो कंफ्यूज रहते हैं।
अगर आपका बॉन्ड का डायरेक्शन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ जाता है, तब आप इसको बेटा क्या अज्यूम करोगे, माइनस टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड प्लस टू फॉर दिस वन। ठीक है, तो ये बॉन्ड को हम लोग सिर्फ कभी काउंट करेंगे जब वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जा रहा है। और इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फर्स्ट कंपाउंड इज HCN, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड जो है वो है HNC। ठीक है, इतना ध्यान दीजिए, यहां पे फर्स्ट कंपाउंड में अगर हम लोग देखें स्ट्रक्चर इज HNC एंड सेकेंड वन इज HCN, राइट। तो यहाँ पे ये तो स्ट्रक्चर बराबर है, इसमें जो बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो ये है HNC से, राइट। अभी ध्यान से सुनो, आप बताओ ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, इट इज नॉट अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन और हाइड्रोजन, इट इज कार्बन, सो हाइड्रोजन विल गेट प्लस वन का चार्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ द एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ध्यान देना, हाइड्रोजन विल गेट प्लस वन का चार्ज, दिस कार्बन बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन विल गेट माइनस वन का चार्ज, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन आई एम सेइंग। अभी आप बोलोगे सर इसका क्या, यहाँ पे कोई भी कोवेलेंट सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, ऑल दीज आर कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, चार। अभी यहाँ पे ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो प्रीवियस रूल केस वन में हमने पढ़ा था हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यस इट इज नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन विल गेट माइनस थ्री का चार्ज एंड दिस कार्बन विल गेट प्लस थ्री का चार्ज। सो इन HCN अगर आप ध्यान से देखो द हाइड्रोजन एटम के ऊपर प्लस वन का चार्ज है, कार्बन के ऊपर प्लस थ्री माइनस वन, सो इट इज प्लस टू का चार्ज, एंड नाइट्रोजन के ऊपर जो चार्ज है वो है माइनस थ्री। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ दिस कंपाउंड, यहां पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, सो हाइड्रोजन विल गेट प्लस वन का चार्ज, नाइट्रोजन विल गेट माइनस वन का चार्ज, करेक्ट ना। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें से दो कोवेलेंट है, कितने बच्चों, दो तो कोवेलेंट है और एक कोऑर्डिनेट है। सो मैं सबसे पहले कोवेलेंट के ऊपर फोकस करूंगा बिकॉज मेरा केस वन ऑलरेडी खत्म हो चुका है। सो कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, दो है, ठीक है। तो अगर दो कोवेलेंट बॉन्ड है, हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन विल गेट माइनस टू का चार्ज, क्यों, दो सर आप बोलोगे सर इसमें तो तीन है, मैंने क्या बोला कोऑर्डिनेट को अभी कंसीडर मत करो, फिर सबसे पहले कोवेलेंट को कंसीडर करो, ठीक है। तो ये माइनस टू हो गया बिकॉज दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन विल गेट प्लस टू का चार्ज, करेक्ट। अगर आप ध्यान से देखो तो अभी मुझे इसके ऊपर फोकस करना है, ये बॉन्ड के ऊपर, ये बॉन्ड कौन सा है, नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ जा रहा है, हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर टू लेस, यस इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो वी हैव टू नेग्लेक्ट और इग्नोर दैट बॉन्ड। तो इस बॉन्ड की वजह से इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आएगा। सो इन केस ऑफ HNC द चार्ज ऑन द हाइड्रोजन इज प्लस वन, चार्ज ऑन द कार्बन एटम इज प्लस टू, एंड द चार्ज ऑन द नाइट्रोजन एटम इज माइनस वन एंड माइनस टू, सो टोटल इज माइनस थ्री। अगर आप देखोगे तो ध्यान से टोटल सेम आ रहा है, एंड एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा गया है कि CN- माइनस के अंदर और NC- माइनस के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन का वैल्यू बताओ, नाइट्रोजन और कार्बन का वैल्यू बताओ, दोनों में सेम आता है, कार्बन इज प्लस टू इन दिस केस एंड दिस केस ऑल्सो, एंड नाइट्रोजन इज माइनस थ्री इन बोथ द केसेस, रिमेंबर दिस, इट इज माइनस थ्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केसेस। सो दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर यूजिंग विच कंसेप्ट, बॉन्डिंग मेथड, केस वन में वी हैव डिस्कस्ड using covalent bond and case 2 में we have discussed coordinate bond, coordinate bond का value सिर्फ और सिर्फ याद रखना minus 2 and plus 2 consider होगा, लेकिन एक बात याद रहे ये value सिर्फ कभी होगा when the bond is directed from less electronegative to more electronegative, if it is from more to less then ignore that bond, is it clear, पक्का, ठीक है, okay now let's move to the third next concept that is oxidation number in compounds having peroxide linkage,
Now what is the meaning of peroxide linkage students? Peroxide linkage is, हम लोग ने previous lecture में पढ़ा, it is O single bond O is known as what? Peroxide linkage. This is again very very important. Compounds, oxidation number in compounds having peroxide linkage. Let us start with an example. Number 1, H2SO5. सबको पता है इसका नाम है कैरोस एसिड, ठीक है? Now अगर मैं इसको X मेथड से सॉल्व करके सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूँ, so this is going to be 2 into +1 + X. सल्फर को मैंने X मान लिया, 5 into oxygen is -2 = 0. So 5 2s are 10, 10 में से 2 गया, it is 8. The value of X is +8. But students, सल्फर का मैक्सिमम नंबर ही +6 होता है, तो ये +8 कैसे गया? इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ तो मिस्टेक किया है. हमने क्या मिस्टेक किया है? हमने ये मिस्टेक किया है कि यहाँ पे हमने जो 5 ऑक्सीजन लिखे हैं उनमें से हमने सबको -2 ले लिया. शायद से कोई ना कोई ऑक्सीजन -1 वाला हो सकता है. क्यों? क्योंकि अगर पेरोक्साइड लिंकेज होगा तो ऑक्सीजन को -2 की बजाय क्या लेना पड़ता है? -1 लेना पड़ता है. तो स्टूडेंट, इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है और इस कंपाउंड में पक्का 101% पेरोक्साइड लिंकेज होगा, ठीक है? तो अभी वो कैसे पता करते हैं? तो उसका जो मेथडोलॉजी है मैं आपको रेगुलर लेक्चर में एकदम डिटेल में बताऊंगा, बट आपको एंट्रेंस के लिए एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं जिससे आपको बहुत इजीली पेरोक्साइड लिंकेज का नंबर पता करना बहुत इजी हो जाएगा. आप क्या करोगे, आपका कैलकुलेटेड वैल्यू कितना आ रहा है? यस, इट इज 8, और मैक्सिमम कितना हो सकता है सल्फर का? 6 है, राइट? तो आप क्या करोगे, इस नंबर को, ये मेरा ट्रिक है, इस नंबर को इसमें से माइनस कर दो. कितना है आपका नंबर? 8 - 6 = 2. जो भी नंबर आएगा वो या तो ऑड होगा या इवन होगा. अभी आप बताओ ये इवन है कि ऑड है? 8 - 6 इवन है. अगर आपका आंसर इवन आ रहा है तो डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 2. अगर इवन नहीं आ रहा है तो उसमें +1 करके डिवाइड बाय 2. गॉट माय पॉइंट? वापस से, 8 - 6 = 2. इवन है कि ऑड है? इवन ऑड नहीं पता. इवन है कि ऑड है? इवन है. इवन है तो उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे. सो 8 - 6 = 2, 2 / 2 मतलब कितना? 1. तो इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर एक पेरोक्साइड लिंकेज है. कितना पेरोक्साइड लिंकेज है बच्चों? 1 पेरोक्साइड लिंकेज है. अगर इसके अंदर 1 पेरोक्साइड लिंकेज है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए. ये देखो, 1 पेरोक्साइड हो गया, फिर इसके अंदर मेरे पास सल्फर है, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ. टोटल कितने सल्फर हो गए? 4 हो गए. एक ऑक्सीजन, अभी सॉरी कितने ऑक्सीजन हो गए? 4 ऑक्सीजन हो गए. अभी कितने ऑक्सीजन बाकी है? 1. सो विल राइट OH. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैरोस एसिड. विल टेक वन मोर एग्जांपल, नंबर 2. नाउ अगर हम लोग इसको बॉन्डिंग मेथड से सॉल्व करें अभी, तो ये -1 + 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा. यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये दोनों एटम सेम है कि डिफरेंट है? सेम है. सो गो फॉर देयर हाइब्रिडाइजेशन. इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 कैलकुलेट करने आता है, इसका भी sp3, दोनों सेम है, तो 0, इसकी वजह से ये भी 0. ये बॉन्ड दोनों डिफरेंट एटम के बीच में, हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन. सो द ऑक्सीजन विल गेट -1 का चार्ज और इसके ऊपर +1 का चार्ज. देखो ऑटोमेटिकली -1 - 1 आ गया दोनों ऑक्सीजन के ऊपर, करेक्ट? बिकॉज खुद की वजह से क्या हो जाएगा, वो 0. ये सल्फर, ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा. ये कितना है? -2 है तो ये भी +2 हो जाएगा. इस OH को हम लोग ऐसे ब्रेक करके लिखें, दिस इज -1 + 1, दिस इज अगेन -1 + 1. तो आप बताइए सल्फर का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है? देखो टोटल करो, +2 + 2 + 4 + 2. सो सल्फर का वैल्यू आ रहा है +6. सो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर एग्जाम में अगर आपको टिक करना है, गलती से भी 8 मत टिक करना, ठीक है? आंसर इज +6. विल टेक मोर एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल इज H2S2O8. इसको बोलते हैं मार्शल्स एसिड. दिस इज नोन एज मार्शल्स एसिड, ठीक है? अगर हम लोग इसको एक्स मेथड से सॉल्व करते हैं, सो दिस आंसर इज राइट और रॉन्ग? दिस इज रॉन्ग, राइट? नाउ टेल मी, इसको अगर हम लोग एक्स मेथड से करेंगे तो 2 into +1 प्लस सल्फर को हम लोग 2x मानेंगे यहाँ पे, प्लस 8 into -2, इसका वैल्यू आएगा 8 2 16, 16 में से 2 गया 14, 14 डिवाइड बाय 2, x का वैल्यू 7. वापस से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, बिकॉज सल्फर का हाईएस्ट कितना होता है? 6 होता है. तो इसका मतलब सल्फर 6 तो है नहीं, यहाँ पे तो 6 दिखा नहीं रहा हमको, सल्फर यहाँ पे 6 होना चाहिए, तो मैक्स टू मैक्स 6 हो सकता है, बट यहाँ पे आपको आंसर आ रहा है 7. मतलब पक्का इसमें हमने कुछ गड़बड़ किया और वो गड़बड़
किसका लिंकेज का है, पेरोक्साइड लिंकेज का, बिकॉज मैंने आठों के आठों ऑक्सीजन को क्या मान लिया, माइनस टू वाले, प्रीवियस लेक्चर याद करो, माइनस टू मतलब ऑक्साइड होता है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ी किया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई ऑक्सीजन पेरोक्साइड के फॉर्म में होगा, और एक बार जाना ना पेरोक्साइड में मिनिमम दो ऑक्सीजन तो होने चाहिए, क्यों, पेरोक्साइड लिंकेज बनाने के लिए ओ बॉन्ड ओ होना चाहिए, मतलब एक पेरोक्साइड लिंकेज कितने ऑक्सीजन लेके जाएगा आपके, दो ऑक्सीजन लेके जाएंगे। तो अभी आप बताओ इसमें कितने पेरोक्साइड लिंकेज है, कैसे पता करेंगे, ट्रिक क्या था, ये नंबर में से ये माइनस करेंगे तो 7 माइनस 6 करोगे तो कितना आएगा, 1, 1 इवन है कि ऑड है, ऑड, तो उसमें क्या करोगे, बोलो, सो गए, कोरोना आएगा पास में, बोलो वापस से, 7 माइनस 6 कितना, 1, 1 प्लस 1, क्यों, ऑड था ना, तो 1 प्लस 1 2, 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1, इसका मतलब इसके अंदर भी एक ही पेरोक्साइड लिंकेज है, और अगर आपने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा है एनओसीबी के मेरे लेक्चर्स में, तो आपको इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, एस ओ, एस डबल बॉन्ड ओ, ये दो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर से वाटर निकाल के बनता है, ये देखो एच टू है, एस टू है, ओ कितना है, इधर 4 और इधर भी 4, तो टोटल कितना हो गया, 8 हो गया, तो इसको कौन सा एसिड बोलते हैं, मार्शल्स एसिड, और इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कौन सा लिंकेज है, पेरोक्साइड लिंकेज है, आप वापस से बॉन्डिंग कंसेप्ट यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। सो वी हैव सॉल्वड हाउ मेनी एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल्स, थर्ड एग्जांपल CrO5, आप ट्राई करो, ठीक है, CrO5 ट्राई करो, आप लोग पॉज करने आते हैं वीडियो, करो अभी सॉल्व करो, ठीक है, तो अगर हम लोग इसको x मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्रोमियम का कितना लेंगे, x प्लस 5 × −2 = 0, सो x का वैल्यू कितना आ रहा है, प्लस 10, सबको पता है क्रोमियम मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, प्लस 6 हो सकता है, और Mn प्लस 7 होता है, तो क्रोमियम प्लस 6 हो सकता है, इसका मतलब पक्का गड़बड़ है, तो डिफरेंस निकालो, 10 − 6 कितना हो गया, 4, इवन है कि ऑड है, इवन है, 4 को 2 से डिवाइड करो, सो आंसर कम्स आउट टू बी 2, इसका मतलब इसके अंदर वे हाउ मेनी पेरोक्साइड लिंकेज, 2 लिंकेज बना, तो क्रोमियम में 2 पेरोक्साइड लिंकेज बनाओ, ये एक पेरोक्साइड लिंकेज हो गया, दिस इज सेकंड पेरोक्साइड लिंकेज, टोटल कितने ऑक्सीजन चले गए हमारे, 4 चले गए, बचा कितना, 1, तो एक ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, और ऑक्साइड के फॉर्म में होगा तो डबल बॉन्ड में, इसको हम लोग बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं, दिस इज द बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ऑफ CrO5, सो फर्स्ट कंपाउंड इज कैरोज एसिड, सेकंड इज मार्शल्स एसिड, थर्ड वन इज CrO5, विल टेक वन मोर एग्जांपल, ध्यान देना, अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ध्यान, सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन दिस, इट इज माइनस वन, इसका भी माइनस वन, तो ये प्लस वन प्लस वन, इधर से भी -1 -1, तो इधर +1 +1, तो टोटल कितने प्लस हो गए, 4, और इधर से -2 और इधर से +2, तो क्रोमियम का आंसर इज +6, इधर से भी +6 और इधर से भी +6, सर तो ऐसे केस में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या कि जो हाईएस्ट नंबर होना चाहिए वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, यस और नो, जैसे तीनों में प्रूव तो हो गया ना, यस और नो, यस द आंसर इज रॉन्ग, मैं बताता हूँ क्यों, फोर्थ एग्जाम्पल देखो, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, K3CrO8, ना K3CrO8 में अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हम लोग 3x 3 × +1, राइट, क्रोमियम को क्या ज़ूम करेंगे, x + 8 × −2 = 0, 8 × 2 = 16 में से 3 गया 13, सो x का वैल्यू आ रहा है +13, हाईएस्ट कितना हो सकता है, +6 हो सकता है, इसने तो हद ही पार कर ली, +13 बहुत ज्यादा है, इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारे पेरोक्साइड लिंकेज है, 13 − 6 करो, 7 क्या है, ऑड है कि इवन है, ऑड, 7 में कितना ऐड करोगे, 1, तो 7 + 1 8, 8 / 2 4, इसका मतलब इसके अंदर 4 पेरोक्साइड लिंकेज है, तो क्रोमियम पेरोक्साइड लिंकेज नंबर 1, दिस इज सेकंड पेरोक्साइड, देखो फैन बन रहा है, थर्ड पेरोक्साइड एंड दिस इज फोर्थ पेरोक्साइड, करेक्ट, टोटल कितने पेरोक्साइड लिंकेज हो गए, 3, तो अभी आप बोलोगे सर K3 किधर गया फिर, तो K3 का भी मैं रीजन बताता, सुनो, इसको हटा दो, इधर ओके क्या हो गया, इसको भी हटा दो, इधर ओके, इसको भी हटा दो, कोई भी 3 हटा के ऐसे ओके, राइट, तो अभी आप बताओ, तो ये तो पेरोक्साइड लिंकेज ही है ना,
अभी अगर आप क्रोमियम को देखते हो तो मैक्सिमम +6 होता है, बट यहाँ पे आंसर +6।